हे एवरीवन, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, हम सबको पता है कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से जितनी भी जो उनकी बाइक्स है उसमें जो लाइट्स आती हैं उनका थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लॉन्ग राइड्स में आपको हाईवे में बहुत ही ज़्यादा उससे दिक्कत होती है। इसी की वजह से मैं कुछ लाइट्स इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी बाइक पर, तो आपको बताता हूँ कौन कौन सी लाइट्स हैं। सबसे पहले ये 90 वॉट की हेडलाइट, और ये जो आपको दिख रहा है ये DRL और इंडिकेटर दोनों का काम करते हैं, और इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यही सेम लाइट मेरी थंडरबर्ड पे भी मैंने लगा रखी है। और ये फॉग लाइट्स हैं दो, इसमें जो आपको ये रिंग दिख रहा है वाइट DRL है, ये 20 वॉट्स ईच हैं। और ये क्लैंप्स हैं जो कि फ्रंट फोक्स हैं उस पर यहाँ पे फिट होंगे। और ये जो दो फॉग लाइट्स हैं ये हैं 40 वॉट्स ईच। तो सबसे पहले हम फिट करेंगे हेडलाइट, तो उसके लिए हमें जो ग्रिल है और जो स्टॉक हेडलाइट है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग विंडस्क्रीन को ओपन करेंगे। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट विंडस्क्रीन ओपन करने से रहेगा कि आसानी रहेगी काम करने में, नहीं तो यहाँ पे ये देगा हल्का सा टच करती है काउल को। हेडलाइट ओपन करने के लिए दो स्टार्ट बोल्ट्स हैं कि यहाँ पे है और एक इस साइड पे है, इसको ओपन करना होगा। जो पीछे से जो लाइट कनेक्शन है उसको निकाल देना है, ये देखिए, और जो रेड वाला है इसको भी। तो ये हेडलाइट हमारी बाहर आ गई। तो अब लाइट को काउल से बाहर निकालने के लिए पीछे यहाँ पे आप देखेंगे पिंस लगे हुए हैं ये, तो ये पिंस हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए। तो जो जितने भी सारी पिंस हैं उनको निकालने के बाद हेडलाइट को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके लिए हल्का सा आपको यहाँ जो साइड में प्रेशर देना होगा, और ये देखिए लाइट काउल से बाहर आ गई है। तो हेडलाइट को इस काउल के अंदर लगाने के बाद जितने भी जो पिंस थी जो हमने पुरानी वाली हेडलाइट से निकाली थी वो इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो लाइट को मैंने काउल के अंदर फिट कर दिया है और जो चारों जो पिंस थी वो लगा दी है। अब इस लाइट को यहाँ से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो इसका जो ये सॉकेट है इसको डायरेक्ट इसको जो बाइक का जो मेन हेडलाइट सॉकेट था उसमें आपको प्लग कर देना है बिल्कुल ऐसे। और ये जो वाइट वाला वायर है ये DRL का वायर है, और ये जो सॉकेट दिख रहा है ये मैंने जो पुरानी हेडलाइट था उससे ये कट करके निकाल लिया। उसका जो ब्लैक वायर था उसको मैंने कट कर लिया क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। उसके बाद आपने करना ये है कि जो ये वाला जो सॉकेट है इससे इसको कनेक्ट कर देना। कनेक्शन जो हो गए हैं तो जैसे ही अब मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो ये देखिए जो DRLs हैं ये भी चल रहे हैं और हाई बीम और लो बीम दोनों काम कर रही है। अब ये जो दो वायर हैं ये इंडिकेटर्स के हैं, एक ये जाएगा राइट इंडिकेटर में, एक जाएगा ये लेफ्ट इंडिकेटर में। तो अभी तो बहुत छोटे वायर है तो इसमें हम एक्सटेंड करेंगे इसकी वायरिंग को और मैं आपको बताता हूँ कि इसे कनेक्शन कैसे करना है। तो काउल आप जब हटाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ही जो रेड सॉकेट है ये जो है राइट इंडिकेटर का है, और जो ग्रीन सॉकेट है ये है लेफ्ट इंडिकेटर का। तो इसमें आपको वायर देखना है, इसमें दो वायर होंगे, एक इसमें देखिए एक वाइट है एक ब्लैक है। तो मेरे पास ये ब्लू वायर है, एक्चुअली मुझे ब्लैक वायर मिला नहीं। तो आपको वायर को यहाँ पे से प्लेस करने के बाद और ये सॉकेट है इसको बंद कर देना है ऐसे ऐसे ही आपको दोनों साइड पे करना है और एक एक वायर कनेक्ट करना है। उसके बाद अभी काउल है इसमें एक भी होल तो था नहीं, तो मैंने अलग से इसमें एक होल किया हुआ है। तो अभी जो ये वायर हैं इसमें से हम अंदर डाल देंगे। ओके, तो काउल के अंदर से मैंने ये वायर्स निकाल लिए हैं। प्रेफर्ड है कि आप अलग अलग कलर का वायर यूज़ करें तो उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब मेरे पास कोई और कलर का वायर था नहीं इस वजह से मैंने यूज़ किया है। अब जो मेन सॉकेट है और जो DRL सॉकेट है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब बचे हैं दो वायर जो कि इंडिकेटर्स के हैं। तो उसमें जो ये येलो वाला वायर है ये लेफ्ट इंडिकेटर का है और जो ब्लू है ये राइट इंडिकेटर का है। तो अब हम चेक ऐसे करेंगे, पहले हम इग्निशन ऑन करेंगे। अब ये देखिए लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है ये जल रहा है, तो अब इसको हम इसमें से कनेक्ट करेंगे लेफ्ट वाले से। अब इसमें इंडिकेटर अभी काम नहीं कर रहा है, मतलब ये वायर नहीं है। अब दूसरा वायर लेंगे हम और दूसरे में इसको कनेक्ट करेंगे, और ये देखिए इंडिकेटर यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये वायर इसी से कनेक्ट होना है। तो लाइट्स के जो सारे कनेक्शन हैं वो हो गए हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको हज़ार्ड ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो हज़ार्ड है
वो भी काम कर रहा है, मतलब जो इंडिकेटर्स के जो कनेक्शन है वो भी हो गए हैं, और इसको बंद करूँगा तो ये DRLs भी काम कर रही हैं। अब ये जो दो क्लैंप्स हैं ये यहाँ पे जो फ्रंट फोक है यहाँ पे फिट होंगे, और यहाँ पे दो फॉगलेट्स यहाँ पे लगेंगी। एक्चुअली क्या होता है, जो टायर के पास जो स्पॉट होता है वो हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, तो यहाँ पे लाइट्स की फिटिंग करने से क्या होगा, जो टायर के आसपास के एरिया काफ़ी अच्छा लिटअप हो जाएगा और जो विजिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोनों साइड की जो क्लैंप्स है उनकी फिटिंग हो गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको दो वायर्स दिख रही होंगी ब्लैक, जो कि फॉग लाइट्स की हैं, जो कि मैंने हेडलाइट के इधर साइड्स पे इंस्टॉल करी है। तो इसमें जो येलो वायर है वो है DRL का, और पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वायर्स हैं दोनों के, उनको हम कनेक्ट करेंगे, और वैसे ही सेम DRL और नेगेटिव के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वायर है इसमें मैंने ये वायर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसको हम अर्थ की तरह यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये जो आपको जो ग्रीन वायर दिख रहा है और ये जो ब्लैक वायर, ये जो दो वायर आपको दिख रहे हैं ये स्विच के हैं। तो जो पॉजिटिव था वो मैंने जो इसका नेगेटिव है जो कि ब्लैक कलर का वायर है स्विच का, उससे कनेक्ट कर दिया है। और जो ग्रीन वायर था इससे मैंने एक और वायर कनेक्ट किया है। जो नेगेटिव वायर था जिसमें हमने एक और वायर कनेक्ट किया था उसको मैंने यहाँ पर टाइट कर दिया है, तो ये अर्थ का काम करेगा यहाँ पे। और जो वायरिंग थी वो मैंने पूरी जो टैंक है उसके पीछे कर दी है, तो आपको सामने कोई भी वायर इसमें नहीं दिखेगा। ये जो वायर है ये स्विच का वायर है जो कि ग्रीन वाला वायर, उससे मैंने कनेक्ट किया था इसको। तो यहाँ पे आपको ये जो दो सॉकेट दिखेंगे, तो इसमें आपको जब की बंद रखना है और इसमें वायर को टच कराना है, तो देखिए जैसे ही ये लाइट जल रही है लेकिन की बंद है, मतलब ये डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। तो इस वाले साइड पर आपको इसको कनेक्ट करना है और इसको बंद कर देना है। तो DRL वाला वायर था तो उसको मैंने जो रेड वाला सॉकेट था DRL का, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। ये भी DRL से ऑन है, और जब मेन लाइट जब ऑन करेंगे तो ये देखिए, तो DRL काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाइक पे। बाइक पे लाइट्स के जो सारे कनेक्शन हो गए हैं, हेडलाइट के ऊपर वाली दोनों फॉग लाइट और नीचे वाली, जो नीचे वाली फॉग लाइट्स है उसका कनेक्शन सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ऊपर वाली का है। चलिए मैं आपको अब ऑन करके दिखाता हूँ लाइट्स को। पहले बाइक को ऑन करते हैं, ये हेडलाइट ऑन है और अभी सिर्फ DRL ऑन है। अब मैं नीचे वाली जो प्रॉब्लम है वो ऑन करता हूँ। अब जो ये वाले हैं प्रॉब्लम उनको मैं ऑन करता हूँ। तो बाइक एक तरीके से पूरी लाइट हाउस बन गई है। तो जितनी भी लाइट्स हैं उन सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब जो राइड्स हैं उन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसे तो वैसे कोई राइड्स हो नहीं पा रही है लेकिन नाइट राइड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करके अपने थॉट्स बताना और वीडियो को शेयर करना। सो लाइफ इज़ शॉर्ट, द वर्ल्ड इज़ वाइड, हैप्पीनेस इज़ राइडिंग माई बाइक।